मुंबई पुलिस के इवेंट में रणवीर पर भारी पड़े अमिताभ, उन्हीं के स्टाइल में दिया मोहब्बत का जवाब। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे। बीते साल रिलीज हुई उनकी दोनों फिल्में पद्मावत और सिम्बा सुपरहिट रहीं। रणवीर की अदा का हर कोई दीवाना है। वह जब भी किसी से मिलते हैं पूरी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। बीते शनिवार जब रणवीर सिंह की मुलाकात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुंबई पुलिस के कार्यक्रम की रिहर्सल के दौरान दोनों दिग्गज कलाकारों की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बात होती रही। इस मुलाकात के बाद अमिताभ ने अपने सोशल मीडिया से 3 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में अमिताभ अकेले स्टेज पर माइक लेकर खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में वे रणवीर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में वे रणवीर को टाइट हग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ बिग बी ने कैप्शन में लिखा, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी स्ट्राइक पर एक सर्जिकल की तरह जीत और मुंबई में पुलिस फोर्स के फैमिली के लिए इवेंट के जरिए फंड जुटाने के लिए रिहर्सल करते हुए एनर्जेटिक रणवीर सिंह से मुलाकात भी की। इस पोस्ट को देखकर रणवीर सिंह इतना खुश हुए कि खुद को रोक नहीं पाए। इस पर रणवीर ने भी जवाब दिया। रणवीर ने लिखा, इलेक्ट्रिक उदार, लव इट, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बच्चन साहब, बिग जियो 80। रणवीर सिंह की यही खास बात है कि वह जब भी किसी से मुलाकात करते हैं उसे गले से लगा लेते हैं। मौका कोई भी, लेकिन रणवीर का अंदाज नहीं बदलता। बीते दिनों जब दिल्ली में बॉलीवुड के यंग स्टार्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी तब दूसरे स्टार्स ने हाथ मिलाकर और हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन किया, लेकिन रणवीर पीएम मोदी से गले मिले। इन दिनों रणवीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म गली बॉय के प्रमोशन में लगे हैं। इस फिल्म में वे एक रैपर का किरदार निभा रहे हैं। गली बॉय में उनके अपोजिट आलिया भट्ट है। फिल्म की रिलीज से पहले ही रणवीर के किरदार की खूब तारीफ हो रही है। वहीं बिग बी इन दिनों अपनी फिल्म झुंड की शूटिंग में व्यस्त हैं।